कृष्ण, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। ये बात शायद आप जानते ही होंगे कि इंडिया के थिएटर्स में रिलीज होने वाली हर फिल्म को पहले सेंसर बोर्ड के सामने से गुजरना होता है। सेंसर बोर्ड इस फिल्म को रिव्यू करता है और अगर कुछ उसमें विवादित लगता है तो उसे मेकर्स से हटाने के लिए कहा जाता है। फिल्म को इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट दिया जाता है, फिर जाकर फिल्में थिएटर्स में रिलीज हो पाती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन पर इतना हंगामा हुआ कि उन्हें भारत में बैन कर दिया गया, लेकिन इन फिल्मों को आप OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और यूट्यूब पर देख सकते हैं। अनफ्रीडम, इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है फिल्म अनफ्रीडम का। इस फिल्म को 2014 में बनाया गया था। ये फिल्म 2015 में मई में रिलीज होने वाली थी। राज अमित कुमार के डायरेक्शन में बनी आदिल हुसैन और विक्टर बैनर्जी स्टारर फिल्म में एक लेस्बियन की लव स्टोरी दिखाई गई है। फिल्म में सेंसिटिव सीन्स होने की वजह से सेंसर बोर्ड ने इसे रिलीज करने की मंजूरी नहीं दी थी, जिसके बाद फिल्म को ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया। आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख सकते हैं। एंग्री इंडियन गॉडेसेस, फिल्म एंग्री इंडियन गॉडेसेस की कहानी फ्रीडा और उसकी फ्रेंड्स की है। फिल्म में काफी खुलापन है। इसे कई देशों के फिल्म फेस्टिवल में सराहा भी गया है, लेकिन सेंसर बोर्ड को ये रास नहीं आया और फिल्म थिएटर में नहीं आ पाई। ये फिल्म फिलहाल नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है। इस लिस्ट में शामिल अगली फिल्म का नाम हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन पोस्टर जरूर दिखा सकते हैं। ये कौशिक मुखर्जी की हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्मों में से एक है। ये फिल्म 13 अक्टूबर 2011 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। फिल्म में अभद्र भाषा और न्यूड सीन्स की भरमार होने के कारण सेंसर बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इसे कुछ फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया था। ये फिल्म इंडिया में कभी रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन ऑडियंस के लिए ये नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। फायर, दीपा मेहता के डायरेक्शन में बनी फिल्म फायर दो महिलाओं के समलैंगिक रिश्तों पर आधारित थी। ये मिडिल क्लास फैमिली में उन दो महिलाओं की कहानी थी जो रिश्ते में देवरानी और जेठानी होती है और एक दूसरे के प्यार में पड़ जाती है। कई संगठनों ने इस फिल्म का विरोध किया था। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने रिलीज के लिए मंजूरी नहीं दी थी और इस पर बैन भी लगा दिया था, लेकिन फिल्म को दुनिया भर में रिलीज किया गया। इस फिल्म ने कई अवार्ड भी जीते हैं। वाटर, दीपा मेहता की फिल्म वाटर में विधवा महिलाओं के जीवन की कहानी को दिखाया गया है। इस फिल्म को एकेडमी अवार्ड 2007 के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन विवादों में आने के कारण इसे रिलीज करने पर बैन लगा दिया गया। ये फिल्म यूट्यूब पर देखी जा सकती है। फिल्म में जॉन अब्राहम काफी दमदार रोल में नजर आ रहे हैं। किस्सा कुर्सी का, फिल्म किस्सा कुर्सी का इंदिरा गांधी और संजय गांधी की लाइफ पर बेस्ड है। ये फिल्म इमरजेंसी के दौरान रिलीज होने वाली थी। इमरजेंसी में बॉलीवुड की कई फिल्मों की रिलीज पर रोक लगा दी गई थी, जिसमें किस्सा कुर्सी का जैसी फिल्में भी शामिल है। अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो ये यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगा। लोएव को 2015 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। अगर आप इसे देखें तो फिल्म लोएव सिर्फ एक गे की कहानी नहीं है। फिल्म दो पुराने दोस्तों के वापस मिलने और उनके बीच के हुए रिलेशनशिप पर बेस्ड है। फिल्म सेंसर से पास नहीं हो पाई क्योंकि इस फिल्म में दो लड़कों के बीच किसिंग सीन को दिखाया गया था, जिस पर काफी बवाल भी हुआ था। इंशाअल्लाह फुटबॉल, फिल्म इंशाअल्लाह फुटबॉल की कहानी कश्मीर में संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। सेंसिटिव कंटेंट होने की वजह से इस फिल्म को भी सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी नहीं दिखाई थी। फिल्म में एक कश्मीरी लड़की की लाइफ को दिखाया गया है जिसे इंटरनेशनल फुटबॉल ट्रेनिंग से दूर कर दिया जाता है क्योंकि उसके पिता इंडियन आर्मी में एक नौकर थे। ये फिल्म भी यूट्यूब पर मौजूद है। परजानिया, पद्मावत जोधा अकबर को लेकर हुए विवाद से एक बात तो साफ है कि भारतीय इतिहास पर आधारित कोई भी फिल्म का विरोध बड़ा ही कॉमन टॉपिक है। परजानिया को भी इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ा था क्योंकि ये एक लड़की की कहानी पर आधारित था जो गुजरात दंगों के दौरान खो जाता है। ये फिल्म भी सेंसर बोर्ड से पास नहीं हो पाई और इसे बैन कर दिया गया। बाद में इसे डिजिटली रिलीज करने के लिए मंजूरी मिली और ये भारत में हॉटस्टार पर देखा जा सकता है। ब्लैक फ्राइडे, एक और फिल्म जिसे भारतीय सिनेमा में रिलीज करने से बैन कर दिया गया था और दुनिया भर के क्रिटिक्स ने इसे अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। हम बात कर रहे हैं अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे की, जो 2003 में रिलीज होने वाली थी। ये फिल्म 1995 के धमाकों और बाद में हुई जांच पर आधारित है। ये बड़े पर्दे पर कभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकती है और ये एक ऐसी फिल्म है जिसे आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। पिछले कुछ सालों में सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से बैन की गई फिल्मों की संख्या में कमी आई है।
लेकिन 90s में ऐसा नहीं था। जिन फिल्मों में जाति धर्म के साथ अश्लील कंटेंट दिखाए जाते थे उन पर बैन लगा दिया जाता था या उन फिल्म को थिएटर में रिलीज करने पर रोक लगा दी जाती थी। ये थी हमारी स्टोरी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही डेली बज इंडिया के सारे नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें।